आगे ताऊ कुछ और ट्रेड भी डिस्कस करें, उससे पहले अम्मा गौरांग का इंतजार भी कर रहे थे आज का मुनाफे का फंडा देने के लिए। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। ओके गौरांग, सुप्रभात। कौन से होंगे आपके आज दोस्त? धन्यवाद प्रियंका, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहले तो समा चाहूंगा, थोड़ी नेटवर्क को लेकर के दिक्कत हो रही थी, थोड़ी देर हो गई हमें आने के लिए। दो विकल्प ढूंढे हमने ब्रॉडर मार्केट्स, आप मिड कैप कह सकते हैं इनको। पहली कंपनी है एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली कंपनी, टानला प्लेटफॉर्म्स। ये कवरेज हमारी काफ़ी थी और नतीजे देखने के बाद हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिससे स्पैम्स और स्कैम्स जो होते हैं उसकी होने की संभावना बहुत निचले स्तर पर चली जाती है। लक्ष्य के रूप में हमने लक्ष्य रखा है करीबन 850 का टैनला प्लेटफॉर्म्स के लिए। दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ी हुई इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। सरकार की कुछ नीतियां हैं प्रियंका, जो शायद आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को बहुत ही सकारात्मक सा रुझान आने की संभावना है। डीजल इंजन्स पर हो सकता है आने वाले समय में प्रतिबंध लगे, खास करके जो राज्य स्तर पर परिवहन की बसेस चलती है उसको लेकर के। और एक बहुत बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी इस कंपनी को मिल चुका है और आने वाले समय में संभावना है कि और भी ऑर्डर्स आएंगे। और जिस प्रकार से लोगों की रुचि बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, हमें लग रहा है कि एक सकारात्मक सा आंकड़ा और भविष्य होने की संभावना है। 740 का लक्ष्य हम फिलहाल एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं प्रियंका, लेकिन अगर नतीजे बेहतरीन आए, हमसे हमारी उम्मीद से बेहतर आए, तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। ओके ऑलराइट, इलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक, बिल्कुल सही कहा आपने। रिलायंस को की तरफ से भी बड़ा हाइड्रोजन बसेस का एक ऑर्डर मिला था और आप 740 तक का टारगेट देख रहे हैं इस स्टॉक पे। या इस सारा मामला भी फोकस सारा ईवी पे चल रहा है। मैं एक बार